नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एलोवेरा फेशियल करने के कुछ तरीके बताऊंगी और जिसकी वजह से आपको चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे तो मार्केट में बहुत तरह के फेशियल मिलते हैं और जिन्हें करने से आपकी जो स्किन है बहुत अच्छी नहीं होती बल्कि डैमेज हो जाती, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर आप एलोवेरा जेल का फेशियल घर पर ही करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी हो जाएगी, जो साइन ऑफ एजिंग है वो भी रुक जाएगी, आपकी जो त्वचा है वो जवा दिखेगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फेशियल है। एलोवेरा की मदद से आपकी स्किन पर आप बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट भी देख पाएंगे। और आप सभी को पता है कि एलोवेरा में बहुत ऐसे अच्छे विटामिन्स और न्यूट्रिशंस हमारे स्किन के लिए पाए जाते हैं। तो चलिए, इस एलोवेरा फेशियल को घर पर किस तरह से करना है उनके स्टेप आज हम देखेंगे। पर दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे स्किन की क्लींजिंग, जिसके लिए आपको 2 चम्मच कोकोनट ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। कोकोनट ऑयल में हमारे स्किन के लिए काफ़ी नरिशमेंट होते हैं और ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लींज भी करते हैं। और इसके बाद आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे तो घर पर बना हुआ एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं या मार्केट में मिलने वाला भी ले सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और चेहरे पर हल्के हाथों से क्लींजिंग कीजिए। और ऐसा करने से जितना भी डर्ट, पोल्यूशन या ऑयल है वो आपके चेहरे से निकल जाएगा और आपका जो चेहरा है वो बहुत ही साफ हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा स्टेप करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए आपको चाहिए नींबू का रस। नींबू के रस में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो आता है और निखार आता है। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी नमक की। नमक एक स्क्रबिंग की तरह काम करता है और इसके वजह से हमारे स्किन पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। और फिर आपको चाहिए एलोवेरा जेल। इन तीनों को अच्छे से मिला लीजिए और आपका स्क्रब तैयार है। अभी 2 मिनटों के लिए फेस पर हल्के हाथों से स्क्रबिंग करिए और खास जगह पर जैसे नाक के ऊपर ब्लैक हेड और व्हाइट हेड को हटाने के लिए अच्छे से स्क्रबिंग करिए। स्क्रबिंग करने के बाद अपने चेहरे को अच्छे से धो लीजिए और यहाँ पर आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा। अभी हम करेंगे थर्ड स्टेप, जिसको हम बोलते हैं स्टीमिंग। स्टीमिंग की वजह से हमारी जो स्किन है वो बहुत डीपली क्लीन हो जाती है। इसके लिए आप स्टीमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर पतीले में थोड़ा पानी उबालने के लिए रख दीजिए और उस पानी की जो भाप बनेगी उससे आप स्टीम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप स्टीमिंग भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चौथा स्टेप करेंगे, जिसे हम बोलते हैं फेस मसाज। फेस मसाज की वजह से हमारे चेहरे पर बहुत ही अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है और जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर एक अद्भुत ग्लो भी आता है। इसके लिए आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और अपने हाथों पर इस मिश्रण को लेकर अपने फेस पर धीरे धीरे मसाज करिए और ये जो मिश्रण है इसे अपने स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए। ऐसा अगर आप लगभग 4 से 5 मिनटों तक करते हैं तो आपकी स्किन में ये सारा सॉल्यूशन एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके स्किन पर बहुत ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिसके रिजल्ट्स आप बहुत ही जल्दी देख पाएंगे। इसके बाद मैं आपको फेस पैक बताती हूँ, जिसके लिए आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल चाहिए, 1 चम्मच रोज़ वाटर चाहिए। रोज़ वाटर में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन पर बहुत अच्छे मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेटिंग के इफ़ेक्ट्स दिख के आते हैं। और इसके बाद आपको 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी चाहिए। मुल्तानी मिट्टी में स्किन वाइटनिंग के प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम देख पाते हैं। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगभग आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ दीजिए और उसके बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। तो यहाँ पर आपका एलोवेरा फेशियल कंप्लीट होता है और इसके जो रिजल्ट्स है आप कुछ ही देर में देख पाएंगे अपने चेहरे पर। इसके रिजल्ट देखते ही आप काफ़ी चौंकने भी हो जाएंगे। तो इस फेशियल को आप ज़रूर एक बार ट्राई करें।
तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चाहे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।